गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन। ओके, इनके हमने जो फार्मूला है वो भी हमने डिस्कस करा था, और ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है उसको भी हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। आई होप सो कि आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो जैसे कि हमने बच्चों एक बार थोड़ा सा उसे हम रिकॉल कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। फर्स्ट इज हमने पढ़ा था मेथेन। मेथेन का जो फार्मूला था CH4, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं और इसमें नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे 4। ओके, तो CH4 जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है C, और उसके साथ 4H जो है वो कंबाइंड होंगे सिंगल बॉन्ड में। ऐसा ही एथेन है, तो एथ का मतलब 2। ओके, तो C2H6 हो जाएगा, अंडरस्टूड। एंड प्रोपेन में प्रोप का मतलब होता है 3, तो C3H8। ओके, जो फार्मूला है वो हमने डिस्कस करा था अपने लास्ट क्लास में। ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। ओके, तो ये कुछ इसके डॉस्ट इनके क्या है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन इनके स्ट्रक्चर्स हैं। हम अपने आज के क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हैं उसको, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अनसैचुरेटेड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सैचुरेटेड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। जैसा कि एथीन है, एथीन C2H4। ओके, C2H4, और एथाइन है, एथ का मतलब हमने अपने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था और अभी मैंने आपको बताया, एथ का मतलब होता है 1। तो इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जो होगा जब वो 1 होगा तो अनसैचुरेटेड वाले में, इट मीन्स जो एन वाले हैं उसमें एथ एन फर्स्ट बनेगा हमारा, एंड आइन वाले में एथाइन। ओके, आइन वाले में हमारा जो बनेगा वो एथ आइन बनेगा। और अनसैचुरेटेड में जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो शेयरिंग करते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि एथेन में आप देख रहे हैं C2H4, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे बच्चों हमारे पास, 2 होंगे, और नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन्स है वो 4 होंगे। इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था HN plus 2। ओके, C2HN plus 2 हमने एथेन का पढ़ा था, और एथेन का CNHN हमने इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था। ओके, तो एक बार जल्दी से हम इनके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्किन वाले ग्रुप्स के, और देन आफ्टर हम एल्काइन वाले ग्रुप्स के भी स्टडी करेंगे। तो एल्किन वाले में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एथेन का वो तो C2H4 होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया CNHN plus 2। ओके, H2N होता है बच्चों, क्या होता है H2N, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसका डबल जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो एथेन वाले में हमारे पास 2 नंबर ऑफ कार्बन्स है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोपेन है, जो सेकंड होता है प्रोपेन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। और इनके जो क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। प्रोपेन का जैसे कि C3H6 मैंने बताया आपको अभी, एंड ब्यूटेन का C4H8 होगा। ऐसे ही आगे के जो हमारे और भी होते हैं, प्रोपेन हैं, इन सब का भी हम फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। ऐसे ही एल्काइन ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे एल्काइन ग्रुप्स का फर्स्ट हमारा एग्जांपल है एथाइन। एथाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C2H2। ओके, C2H2। एंड प्रोपाइन का जो प्रोपेन का होगा C3H4, ब्यूटेन का होगा C4H6। ओके, तो दिस इज
द मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्काइन ग्रुप. ओके नाउ कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. जो कार्बन है उनके जो कंपाउंड्स है स्ट्रक्चर के बेसिस पर. स्ट्रेंथ अनब्रांच्ड चेन. ओके अनब्रांच्ड चेन जैसे कि C3H8 के बारे में हमने स्टडी करा. कुछ ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच्ड चेन वो इस तरीके से होते हैं जैसे आइसोमर्स के होते हैं C5H12 पेंटेन है, ये एन पेंटेन जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है ये एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका. और जो नेक्स्ट आता हमारा नियोपेंटेन उसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, जनरेट होता है. ओके दीज थ्री एवर कंपाउंड आर सेम मॉलिक्यूल्स. जो आप देख रहे हैं ऊपर जो आपने देखा ये सभी C5H12 के ही डायग्राम्स हैं बट ये अलग अलग वे में बने हुए हैं. जो हमारा पहला है इसे हम एन पेंटेन टाइप बोलते हैं. ओके और अगला जो हमारा आइसोपेंटेन है आप देखेंगे तो सभी में जितने हमारे पास डॉट इस इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है तीनों ही फार्मूला में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 5 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो 12 ही आपको फाइंड होंगे. जो पहला वाला टाइप है दैट इज कॉल्ड एन पेंटेन एंड सेकेंड जो है आइसोपेंटेन एंड थर्ड वाला आता हमारा नियोपेंटेन. ओके दीज थ्री एवो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूल्स फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स. ओके एंड फिनोमिना इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी हम बोलते हैं. ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं. ओके जैसे कि C6H6 ओके बेनेन ये अनसैचुरेटेड में और सैचुरेटेड में भी हम इसे जनरेट कर सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड. नाउ फंक्शनल ग्रुप्स. ओके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम अपने बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड. आज के क्लास में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहीं तक हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. होमोजेनियस जो होमोलोगियस सीरीज होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड. इन सब टॉपिक के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज का जो आपका होमवर्क है उसमें हमने जितना स्टडी करा है उन सब के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.